आज मैं अयोध्या जिला के बया ब्लॉक में आई हूँ और ये ग्राम सभा है काजीपुर गांडर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लगभग 500 मीटर का रास्ता है बंधा तक, लेकिन अभी इस पे खुदाई हो गया है और ना तो खड़ंजे लगे हैं और इधर नाली भी है। बहुत पहले बना हुआ था लेकिन वो नाली एकदम से टूट टाट गया है और यहाँ पर जो पानी है देखिए कीचड़ से भरा रहता है। क्योंकि अभी तो लोगों के लिए उतनी समस्या नहीं है, लेकिन जब बारिश का टाइम आता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो आइए हम इस पर लोगों की राय जानते हैं कि इन लोगों को किन किन कैसे दिक्कत होती है और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है बारिश के समय में। कितने साल मतलब हो गया आपका यहाँ पे रहते हुए? हमें हो गया 21 साल। और तब से ये समस्या चली रही है? 21 साल से मतलब तो 11 साल हो गई नाली खुलवाई। फिर बाद यही काम है, इतना ये भाई गड्ढा वो इतना जहाँ लकड़ी गजा हुआ वही से JCB से खुलवा दिए हैं। बस मन इस काम ना होगा, खाली इतनी दूर में गढ़ा कराए दिए उधर ना। और चक्रोट तो बहुत दिन हो गए नहीं फटा, एक दिक्कत से ना फटा कि उधर जमीन बर्मा का यार हरजन के मतलब राजघर के तैयारी खुदैया मांगे थे, वारी खुदैया ना मांगते नहीं से रोक लग जाते। कोशिश कही गए बा कितना अप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उन्हें पर समझे ना, प्रधान कहिए ना यही पर है विधायक आए गए सब कुछ मड़ाई तिड़ाई बढ़ गया था, कौन कुछ सुनवाइए ना था। जैसे आपके गांव में जो ये खुली नालियां बह रही हैं इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं होती हैं? बहन जी हम लोग को यही दिक्कत है कि हम लोग का रास्ता जो है सब सही होना चाहिए और नाली भी सही होना चाहिए और ये जो नाला बना हुआ है ये भी सही हो जाए तो अच्छी बात है हम लोग का। अभी जैसे कि ये नाली की खुदाई जब से हुआ है फिर इस पे कोई कार्य नहीं हुआ, खड़ंजा या और नहीं, चीज़ बनने नहीं, के लिए? कुछ नहीं। तो अभी आप लोग को तो काफ़ी दिक्कतें भी होती होंगी यहाँ? हाँ जी बहन जी, हम लोग को जैसे बरसात आता है तो हम लोग को दिक्कत होती है। ग्राम सभा की प्रधान या कोई आता जाता है? हाँ सब लोग आते हैं, प्रधान भी आते हैं, रोजगार सेवक भी आते हैं, सब लोग देखते हैं, जो आता है कार्रवाइया वो लोग करते हैं। लेकिन अब गांव का है मामला है, अपन जो जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे होता है। अब कोई और आएगा जैसे आप लोग आए हैं इतराज करने देखने भालने वैसे आएंगे तो यहाँ अपन जैसे रोजगार सेवक या प्रधान कुछ भी हम लोग को कहवाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग यही दिक्कत है। अच्छा जो ये अभी आपके यहाँ नाली बनी है खुली वाली और ये इस पे क्या पक्की नाली नहीं थी? पक्की नाली थी। कितना साल पहले? ये कम से कम 10 साल पहले हुई थी। और इसके बाद से कभी इस पे मरम्मत या कुछ हुआ नहीं? क्योंकि मरम्मत नहीं हुआ, शुद्धिकरण भी नहीं हुआ, खाली टूटा फूटा है। होते तो जैसे कि इसका पानी अब कहाँ बह के जाता है? जाता नदी किनारे पर जाता, नाले में हो जाता, लेकिन रास्ता बंद है आगे जाने का। ओवरलोडर तो पक्की नाली थी या थी? हाँ तो पक्की नाली कितना पक्की नाली रहे जहाँ टट्टर टाली ज्यादा गंदा चला चला जाए। हाँ जैसे आड़ा जैसे चढ़े गाड़ी कहूँ है समझ रहे ना, RCC पिलर तो लगना है ना कि ट्रैक्टर पंचर हो जाए, वही कई रेले रही टूट टाटा रहे। आज 12-15 साल पहले नाली हुआ, हमारे सबके बना नाली ना हुआ हमारे कार्यकाल के, और बहुत पुरानी नाली हुई, वही कहीं ट्रैक्टर आवाज जात है जे भी गाड़ी घोड़ा ले जाए देखत ना है कि एक बचा के जाए हम। और ये बंधा के लिए जो रास्ता मतलब वो निकला हुआ था तो क्योंकि वो नाली नदी में गिराने के लिए होता पर वहीं तक बना है नाली की खुदाई उतना ही हुआ। नदी में गिरेगा? नदी में या कहीं पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। आज मैं मया ब्लॉक पे आई हुई हूँ और यहाँ पर मैंने बात करने की कोशिश की तो वीडियो साफ है नहीं, एडियो पंचायत कहीं गए हैं। तो कोऑर्डिनेटर संतोष जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ग्राम सभा की जो विकास का काम होता है अब सेक्रेटरी और प्रधान के माध्यम से ही होता है, सारी जवाबदेही उन्हीं का होता है। क्योंकि वो अपने बातों में टाल मटोल कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं हफलाबाजी हो रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।